स्वागत है आप सबका शाही पाठशाला पर। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच आता हूँ। बीच में दो दिन करंट अफेयर्स मैं नहीं दे पाया। आइए आज से पुनः शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स मेरे हैंड रिटन में होता है और सबके सब करंट अफेयर्स होता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जब आठवां दिन करंट अफेयर्स का पूरा होता है तो फ्री में आपका 8 पेज का PDF मिलता है, जो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज से शुरू करते हैं। खबरों में रहा बॉडी इंग्लिंग क्या है, तो बॉडी इंग्लिंग के बारे में समझना है कि ये क्या है। ये काफ़ी इसकी चर्चा रही थी। ये डायनासोर का भ्रूण है, ये चीन के वांगझाओ प्रांत में ये मिला था, इसका एक भ्रूण, उसी के बारे में ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट सामानों से निर्मित भारत का दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये फाइनल बनकर तैयार हो गया है वर्तमान में, तो इसमें पुराने रद्दी कचड़े के टाइप के सामानों से ये बना हुआ पार्क है। और भारत में जितने भी बड़े बड़े या दर्शनीय स्थल है, इमारत है, उसका प्रतिरूप तैयार किया गया, भारत दर्शन पार्क उसका नाम रखा गया है। ये दिल्ली में बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला तीसरा है, स्वदेशी वस्तुओं उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से हुनर हाट, क्या है हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है। तो आप समझना चाह रहे हैं कि हुनर हाट, ये हाट है जहाँ किसी वस्तु को आप बेच सकते हैं, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो है ये बनाया गया है, मुहैया कराया गया है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से विद्युत मोहन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर रिधिमा पांडे तीनों को संयुक्त रूप से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो सैफ अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप का खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है। और रनर कौन रहे हैं, यानी कि सेकेंड विजेता कौन रहे हैं, भारत इसके सेकेंड विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो बिहार पुलिस के द्वारा जो है चक्र मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। इसका मतलब चक्र किस लिए शुरू किया गया है, तो इसका काम है सातिर अपराधी से संबंधित सभी जानकारी ब्यौरा, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सातिर अपराधित है, उसका सभी ब्यौरा क्या होता है इस ऐप पर आपको मिल जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति ऐप खोलकर देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति है जो सातिर अपराधी के तौर पर क्या बोल सकते हैं, थाना में रिकॉर्ड उसका है। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है बिहार के दरभंगा जिला में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार ने सुशासन सूचकांक के समग्र रैंकिंग में ग्रुप बी में कौन सी रैंक प्राप्त की है। तो ग्रुप बी की रैंकिंग में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसका अंग्रेजी होता है। सुशासन सूचकांक कई बार हिंदी में देवनागरी में ही इस प्रकार से लिख दिया जाता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, सुशासन सूचकांक सेकेंड में ग्रुप बी की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा था, MP रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में साल 2022 से हिंदू स्टडीज यानी सनातन, तो हिंदू स्टडीज यानी सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूँ कहें तो वर्ल्ड के पुरातन विश्वविद्यालय में से एक, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होगा, हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू होने वाली है। ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के, यदि स्टूडेंट कोई बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने चाहते हैं तो उस एग्जाम के लिए। अगला है, जर्नलिस्ट आवाज़ 2020, ये 2020 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये दिया गया है 2021 दिसंबर में। तो जर्नलिस्ट आवाज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है, दानिश सिद्दीकी को, इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वीरल सुधीर भाई देसाई, यानी प्रथम भारतीय हैं वीरल सुधीर भाई देसाई, जिनको ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका,
और अंतिम प्रश्न भी है द मोदी गैम्बिट, ठीक है, द मोदी गैम्बिट डिकेडिंग मोदी 2.0 पुस्तक को किसने लिखा है, द मोदी गैम्बिट। इतना ही याद रखिएगा, आप इस पार्ट को नहीं भी याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही मेन टाइटल है आप बुक का। तो द मोदी गैम्बिट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है संजू वर्मा। तो आज मैं 14 से 15 करंट अफेयर्स आपको पर डे दिया करता हूँ, ये वन लाइनर फॉर्म में होता है, ये सबके सब करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, BBI होते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वन लाइनर करंट अफेयर्स सबसे आसान होता है, आप जल्दी से जल्दी यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, जब भी मौका मिले उसको एक बार पढ़ जाइए। जितने भी करंट अफेयर्स होता है, मेरे कलेक्शन करने का दायरा बहुत जटिल है, इसलिए सबके सब करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।